everyone, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Kriti 2 and today's video is going to be very important because आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं whether you should refer Andrew Heywood or Rajiv Bhargav. I know that this was something that आप लोग काफी ज़्यादा confused हो रहे थे और ये वीडियो का टॉपिक मैंने बहुत पहले से सोच के रखा था, बस मैं अपडेट जो है वो आपको अभी कर रही हूँ. Let's get started. लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट हैं, मैंने ऑलमोस्ट हर तरह के वीडियोस बनाए हैं. यू कैन जस्ट विजिट माय चैनल, चेक आउट ऑल दोस, बिकॉज डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू. सेकेंडली, अभी हम बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो इफ यू आर द वन सेमेस्टर वन में हो, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी फॉर दिस वन. व्हाट्सएप नंबर इज गिवन बिलो 6390665726. एंड यस, रिमेंबर, यू आर सपोज टू व्हाट्सएप टेक्स्ट फर्स्ट, देन इफ यू वॉन्ट वी कैन हैव अ चैट. Because that's what कई बार सारे जो है random calls आते हैं, तो I do not receive the calls. I just prefer text first and then we can have a chat. Okay, शुरू करते हैं आज का video. देखो, ये एक legit सवाल है कि Andrew Heywood use की जाए या फिर Rajiv Bhargav, because मुझे भी बड़ा confusing सा लगता है. मेरा मानना ये है कि Andrew Heywood is something that as far as I remember into my first year that was told by my professor to me that कि Andrew Heywood एक वो book है जो आप जो बी ए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कोर्स कर रहे हो ना, इस डिग्री में थोड़ा वजन बढ़ाती है. मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट काइंड ऑफ अ रिसोर्सेज यू आर रेफरिंग, बिकॉज उस रिसोर्स से आप जिस तरह का आउट कॉन्टेंट लोगे और जिस तरह का लैंग्वेज लोगे वो आपका ऑलमोस्ट एक फ्लो बन जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका फ्लो है उसका एक स्टैंडर्ड हो. स्टैंडर्ड इन द सेंस कि यू शुड हैव दोस प्रॉपर टर्म्स, कीवर्ड्स एंड द वे ऑफ सेइंग द थिंग्स एंड ऑल दिस. तो Andrew Heywood इसलिए इम्पॉर्टेंट है. और इनफैक्ट जब आप मास्टर्स में जाते हो तो ज़्यादातर जो आपका आपको बुक्स पढ़ने मिलेगी ना, दोज आर गोइंग टू बी लाइक दिस. ठीक है, दोज आर गोइंग टू बी लाइक दिस. दे वुड बी आस्किंग यू दैट वॉट काइंड ऑफ रेफरेंसेज यू यूज इन टू योर ग्रेजुएशन, कि उससे बड़ा फर्क पड़ता है. और राजीव भार्गव ईजी है, मतलब अच्छी लगती है, समझ में आती है, बिकॉज यू आर इंडियन ऑथर. और आप देखोगे कि ग्रेजुएशन में आपको बहुत कम वैसी बुक्स जो है वो इंडियन ऑथर्स की मिलेगी. ठीक है, तो करना क्या है भाई, कौन सी रेफर करनी चाहिए? देखो, दोनों ही बुक बढ़िया है तभी ये सजेस्ट की गई है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि राजीव भार्गव का लेवल जो है वो Andrew Heywood से कम है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ द कीवर्ड्स एंड द लैंग्वेज दे यूज्ड व्हाइल राइटिंग देयर बुक्स. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू रेफर हियर. ज्यादातर जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पूरा स्टडी है दैट सेंटर्ड अराउंड यूरोपियन ऑथर्स, हाउ दे ट्राई टू शो इट. ओके, एंड बेसिकली उन्हीं का रीडिंग्स, उन्हीं के जो ब्रॉड टर्म्स है वो यूज होते हैं, इसलिए जो है ये सजेस्ट किए जाते हैं. मैं आपको एक सजेशन दूंगी. Andrew Heywood मैंने देखी है, उसकी एक सबसे अच्छी बात ये है कि दे गिव यू सम सॉर्ट ऑफ अ चार्ट्स एज वेल एज प्रोवाइडिंग द मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स, एंड कुछ बहुत बढ़िया समरी मिल जाती है आपको Andrew Heywood से. बॉक्सेस जो रहते हैं ना इसके, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं. मतलब अगर वो किसी दो आइडियोलॉजी में कंट्रास्ट करके बता रहे हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट होगा. ठीक है, और राजीव भार्गव का मुझे इसका लैंग्वेज बड़ा अच्छा लगता है. यू कैन डू वन थिंग, इफ एनी टॉपिक विच यू फाइंड डिफिकल्ट इन Andrew Heywood, गो फॉर राजीव भार्गव. राजीव भार्गव का फर्स्ट रीडिंग आप यही करो. मेरे हिसाब से मेरा सजेशन ये है कि फर्स्ट रीडिंग आप यही करो. ठीक है, ताकि आपका जो है बेस बन जाए और आपको चीजें समझ आने लगे. जब आपका राजीव भार्गव से हो जाएगा, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने एक से दो बार पढ़ ली ना, आपको ये पता चलेगा यार ये इजी टॉपिक है, मैं तो फालतू में टेंशन ले रही थी. ठीक है, और ले रहा था, तो आप फिर जाना Andrew Heywood पे, बिकॉज ये तो पढ़नी है, ये मत स्किप करना, मत करना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द रिसोर्सेज. Then resources को पढ़ने के बाद you can go for any other book. You can go for independent articles available on internet and that's it. तो अभी सवाल शायद ही आ रहा होगा कि खरीदी कौन सी जाए. मेरा ओपिनियन तो ये है कि भाई अगर खरीदनी है तो आप अगर खरीद सकते हो, जरूरी नहीं है खरीदना, तो Andrew Heywood ले लेना. इसका लेटेस्ट एडिशन लेना, सिक्स्थ एडिशन. मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मुझे सिक्स्थ एडिशन मिल जाएगा तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना पॉल साइंस का, वहाँ पर मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को. अगर आप कनेक्ट नहीं हो जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी. एंड राजीव भार्गव का सिर्फ कुछ कुछ चैप्टर्स काम में आते हैं, तो जितने चैप्टर्स काम में है उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपना एक खुद का एक प्रॉपर एक छोटा सा बुकलेट रख लो, तो आपके पास दोनों हो जाएंगे. Andrew Heywood इज गोइंग टू बी यूजफुल इन लाइक और भी आगे के टॉपिक्स में, बट आई डोंट थिंक सो दैट राजीव भार्गव का बहुत सारा हिस्सा इंपॉर्टेंट है. इसका कुछ हिस्सा है, Andrew Heywood तो फिर भी आपका आएगा ही, बार बार इसमें जो
कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं. सो दिस बुक इज आई थिंक दैट क्वाइट एक्सपेंसिव. मुझे प्राइस नहीं पता बट आई थिंक दैट एक्सपेंसिव है. हाँ लेकिन आप मंगवा सकते हो तो कोई दिक्कत. एक्सपेंसिव इन द सेंस कि बच्चे सोचते हैं ना कि हम इतना ज़्यादा 1,000 शायद. आई एम नॉट श्योर ऑनेस्टली. तो एक बार चेक कर लेना ठीक है. लगता है सही तो आप ले लेना, कोई टेंशन नहीं है. और मेरे हिसाब से तो प्रिंट आउट ही रखो दोनों ही बुक के, तो फिर बढ़िया है. दैट हेल्प्स यू फाइन देन. और इनफैक्ट उनको कलर, जिनको जो है उसको रंगीन बनाना है प्रिंट आउट को, तो वो भी बना लेना. थैंक यू सो मच वॉचिंग इट. हिट दी लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो. डू लेट मी नो अगर अब भी कोई डाउट रह गया हो तो मैं ट्राई करूंगी कि एड्रेस कर दूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में. एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग इट. अंटिल देन बाय.